सो हे गाइस, आज का इस वीडियो में अपन बात करने वाले मनोज दे के बारे में जो यह काफी फेमस है। तो दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग मनोज दे के वीडियो के नीचे कमेंट करते होंगे कि भाई आप शादी कब कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, समाज के डर से कि समाज के लोग क्या कहेंगे, मनोज दे के मम्मी पापा मनोज दे को अपनी मर्जी से शादी नहीं कराना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मनोज दे कहां शादी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज को लेकर मनोज दे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक स्टोरी लगाया था जिसमें लिखा था कि समाज और लोगों के चक्कर में खुद की खुशी को मार दो क्या, ये सही। इसमें इन्होंने और एक स्टोरी लगाया था जिसमें लिखा था कि मेरे अगेंस्ट में अगर कोई और होता तो अब तक मेरी अपनी मर्जी से शादी कर भी ली होती, पर मेरे यही संस्कार है कि मम्मी पापा के अगेंस्ट में जाकर नहीं करना है, इसलिए इतना मम्मी पापा को मना रहा हूं और मना कर ही रहूंगा। तो दोस्तों, इसी स्टोरी के बाद जो है ना, ज्योति श्री महतो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें लिखा था कि घर वाले मान जाते हैं अगर कोशिश आखिर तक हो मेरी जान। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये क्या होने वाला है। इसी चीज को लेकर ज्योति श्री महतो ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मनोज दे के साथ, और उस वीडियो में दो अपडेट दी है। एक ये है कि 8 जनवरी 2023 को एक इवेंट रखा गया है, और जैसे ही दूसरी अपडेट देने वाली थी तो मनोज दे ने क्या कहा, आप खुद ही से देख लीजिए उनके वीडियो का छोटा स्क्रीन। धनबाद में, और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, छोटा मोटा नहीं। तो ये जनवरी में होगा, 8 जनवरी को, ठीक है, संडे का दिन है, 2023 में न्यू ईयर में, ठीक है। एंड जो सेकंड अनाउंसमेंट था, सेकंड अनाउंसमेंट उसी दिन होगा, उसी दिन जो वहां पर आएगा स्टेज पे लाइव, कुछ अनाउंसमेंट वहां पर किया जाएगा जो वहीं पे देख पाएगा, ठीक है। चलिए, तबाही मचाएंगे। तो दोस्तों, इसमें मुझे लगता है कि ज्योति श्री महतो और मनोज दे की शादी फिक्स हो गई होगी, और यही गुड न्यूज उस इवेंट में बताने वाले हैं। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।